दोस्तों आज की कहानी है, माँ भाभी तो कभी मुझे फोन ही नहीं करती है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। और बताइए मम्मी, और क्या हाल चाल है? वहाँ के नैना ने अपनी मम्मी प्रभा देवी से पूछा। दोनों फोन पर रोज की दिनचर्या के आधार पर एक दूसरे की कुछ क्षेत्र पूछ रही थी। और बेटा सब कुछ बढ़िया है? प्रभा देवी ने आराम से जवाब दिया। और भाभी ठीक है? हाँ तेरी भाभी भी बिल्कुल ठीक है, कभी कभी भाभी से भी फोन पर बात कर लिया करो। लेकिन मम्मी भाभी तो कभी भी फोन नहीं करती मुझको, मैं ही कभी कभी फोन कर लेती हूँ उनको, इसलिए मेरा मन भी नहीं करता उनसे बात करने का। नयना का ये कहते कहते गला भर आया। कोई बात नहीं बेटा, संबंध बनाए रखने के लिए एक दूसरे की तुलना नहीं की जाती। तुम तो जानती ही हो कि रूपा को तो वैसे भी ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, अपने मायके भी वह जल्दी फोन नहीं करती, अक्सर उसकी मम्मी का ही फोन आता है। इसलिए तुम ही आगे बढ़कर बात कर लो। देखो माँ बाप जिंदगी भर नहीं बैठे रहते, मायका तो बाद में भाई भाभी से ही चलता है। अगर इस तरह मन में भाभी के लिए गांठ बांध कर रखोगी तो अपना ही मायका बेगाना सा लगने लगेगा, ना साते हुए भी एक दीवार सी खड़ी हो जाएगी। तुम दोनों के बीच प्रभा देवी ने बेटी को बड़े प्यार से समझाया। लेकिन मम्मी ये बात आप भाभी को भी तो समझा सकती हैं कि वह भी कभी कभार मुझको फोन कर लिया करे। अब तो भैया भी जल्दी बात नहीं करते, शायद भाभी ने ही उनको भी मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया होगा। नयना थोड़ी उदास सी हो गई। नयना अपने भैया मनोज की बहुत लाडली थी, क्योंकि नयना मनोज की छोटी बहन जो ठहरी। मनोज के पिता का शरीर बहुत पहले ही शांत हो गया था, इसलिए उनके दुकान की भी पूरी जिम्मेदारी मनोज के ही कंधों पर थी। मनोज ने प्रभा देवी से जिद करके ही नयना की शादी खुद से पहले ही कर दी थी, और उसकी शादी के बाद ही अपनी शादी के लिए हमें भरी समय के साथ मनोज की शादी भी रूपा के साथ हो गई। रूपा थोड़ा रिजवर स्वभाव की कम बोलने वाली थी, जरूरत से ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करती। हालांकि ये बात प्रभा देवी को भी खराब लगती, लेकिन किसी के स्वभाव को आप जबरदस्ती नहीं बदल सकते। और उन्होंने सब कुछ समय पर ही छोड़ दिया था, और यही बात वह अपनी बेटी को भी समझा रही थी कि कहीं बेटी के मन में भाभी के प्रति गलत भावना ना घर कर जाए। नैना बेटा तुम अपने भैया की व्यस्तता तो जानती ही हो, एक सुबह 9 बजे का घर से निकला, सीधे रात को 9 बजे ही वापस आ पाता। ऐसा नहीं कि वह तुम्हारी याद नहीं करता, एक दो बार तो पूछ ही लेता है कि मम्मी नैना ठीक है, उससे बात होती रहती कि नहीं आपकी। मैं तो बिजनेस में ऐसा फंसा रहता हूँ कि उससे बात करने का भी मौका नहीं मिलता, समय निकाल कर बात जरूर करूँगा। मैं भी उसको तुम्हारी कुशलता बताकर आवश्यक कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता, बस शायद आजकल के समय में व्यक्ति के पास समय ही नहीं रह गया। और शायद शब्दों की मधुरता बनाए रखने का गुण भी कहीं खो गया। लेकिन अगर किसी से बात करके हमारे दिल को खुशी मिल रही और हमारे शब्द मधुर हो रहे हैं तो बदले की भावना से ऊपर उठना ही पड़ेगा। मैं सही कह रही हूँ ना बेटा? और मैं रूपा को भी समझाने की कोशिश करूँगी, प्रभा देवी ने मुस्कुराकर बेटी को समझाते हुए कहा।
हाँ मम्मी सही तो आप भी कर रही हैं। पता नहीं क्यों हमारे मन में ये भावना घर कर गई थी कि भाभी को ही मुझको फोन करना सही है। बस इसीलिए एक सीढ़ी सी बन गई थी उनके लिए हमारे दिल में। लेकिन अब मैं खुद सामने से उनको फोन कर लिया करूँगी। नैना ने अपनी मम्मी को आश्वस्त करते हुए कहा, रूपा बेटा तुमने अपनी ननन से बात बात की या नहीं? प्रभा देवी ने रूपा को अपने पास बुलाकर पूछा, क्यों क्या जीजी ने आपसे कुछ कहा? रूपा ने सौंक कर पूछा, अरे नहीं बेटा, थोड़े दिनों बाद ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। अगर इस बार मेरे बजाय तुम सामने से अपनी ननन को मनवार करके बुलाओगी तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं सही कर रही हूँ? अरे भाई, हमारे जाने के बाद तो तुम ही दोनों को अपना रिश्ता बांध कर रखना है। प्रभा देवी ने रूपा के सामने भी अपने प्यार का पासा फेंकते हुए कहा, मम्मी जी ऐसी बात क्यों कर रही है? जाने की बात मत करिए प्लीज। रूपा थोड़ा भावुक सी हो गई क्योंकि रूपा दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, बस भावनाओं को व्यक्त करने की प्रार्थना नहीं थी। सही कह रही हूँ बेटा, हम लोग हमेशा थोड़ी ना बैठे रहेंगे। समय से पहले ही मनोज के पापा चले गए, मेरा भी कौन भरोसा। इसलिए अपने और नैना के रिश्तों को खूबसूरत बनाना तुम दोनों के ही हाथों में। ये कहते हुए प्रभा देवी की आंखें जिल मिला उठी। ठीक है मम्मी जी, मैं जरूर जीसी से बात कर लूंगी। आज रूपा ने भी प्रभा देवी की बात पर सहमति जताते हुए कहा। थोड़ी ही देर बाद, हेलो भाभी कैसी हैं आप? नैना ने अपनी रुसस्ता को परे रख कर रूपा को फोन मिला दिया। नैना जीजी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी है? रूपा ने मुस्कुराते हुए नैना से पूछ लिया। बढ़िया हूँ, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई तो सोचा आपसे बात कर लूँ। हाँ जीजी, सोचती हूँ आपसे बात करने का लेकिन रह ही जाता, और मम्मी जी से आपका हाल साल मिल ही जाता तो बस इसलिए शायद। और भी रूपा अपनी सफाई देते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, मैं फोन करूँ या आप, बात तो एक ही है लेकिन जो मज़ा आपस में बात करने में है वो एक दूसरे से एक दूसरे का हाल साल जान लेने में नहीं। और फिर हम ननन भौजाई को अपनी बोर्डिंग भी तो बनानी है या नहीं? नैना ने शालीनता के साथ रूपा से बात करते हुए अपनी दिल की बात भी रख दी। ये तो खेरा बिल्कुल सही कर रही है, मैं भी आपसे जरूर बात करूंगी। रूपा थोड़ा जेप भी गई कि उसने सचमुच अपनी शादी के बाद एक दो बारी नैना से बात की होगी। और हाँ जी, आपसे एक जरूरी बात और करनी थी। रूपा ने बात को पलटते हुए कहा, बताइए भाभी, आप गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होते ही कुहू को लेकर आ जाइएगा, थोड़े दिनों के लिए आपके आने से रौनक हो जाएगी। रूपा ने मनवार करते हुए कहा। नैना समझ गई कि कहीं ना कहीं जरूर मम्मी ने ही भाभी को भी समझाया होगा। खैर उस समय ननन भौजाई ने काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात की और नैना ने भी जल्दी ही मायके आने की हामी भर दी। और गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही नैना अपनी बेटी कुहू के साथ मायके आ गई। अब तो वो और रूपा खूब बातें करती, वो सेड़ सेड़ कर रूपा से बात करती रहती। नैना खूबसूरत एहसास के लिए ससुराल लौट आई लेकिन उसके बाद तो रूपा भी अक्सर नैना से बात कर लेती और नैना तो पहले ही बात करती थी, अब और ज़्यादा बात करने लगी। प्रभा देवी की थोड़ी समझदारी की वजह से उन दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बन गया।